इसी के साथ उनके कद से भी ऊंची मूर्ति को कोलकाता के एक मंदिर में स्थापित किया गया है, जिसे कोलकाता के सभी बंगाली फैंस ने मिलकर बनवाया है। इस मूर्ति को सुब्रता बोस ने बनाया है। अमिताभ बच्चन फैंस एसोसिएशन के प्रदेश सचिव संजय पटौदिया ने कहा कि हमने अमिताभ बच्चन की फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना करने के बाद उन्हें समर्पित एक मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित की है। सलाम अलैकुम साहब, पीस बी विथ यू। मैं रिटायर्ड कर्नल सुरेश पाटिल हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं राष्ट्रीय एकात्मता बल्कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे जो समाज में काम करना चाहते, भाईचारा प्यार मोहब्बत हम सबके लिए देना चाहते, तो हमारी बड़ी समस्या होती है। आपने जो तकरीर की, हालांकि मैं आपके पीस टीवी पे हमेशा आपकी तकरीर सुनता हूँ और आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं आप, ये नुक्ताचीनी बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ आप जिस तरह से ये अच्छी बातें बता रहे हैं समाज सुधार के लिए, ये बहुत बड़ा एक मैं कदम मानूंगा। लेकिन जिस तरह से टीवी पे आज दिखाया जा रहा है, अगर अमिताभ बच्चन चप्पल निकाल के अगर मंदिर में जा रहा है तो उसका पूरा आंखों देखा हाल 24 घंटा हर घंटे पे दिखाया जाता है, जिससे कि एवरेज आदमी जो है, जिससे एवरेज सो कॉल्ड मासेस है, उनको समझ में नहीं आता। सच्चाई यह है जो आप बता रहे हैं, जो मैं मानता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं बहुत नाचीज हूं, लेकिन यह समझता हूं कि मैंने इस्लाम को बहुत नजदीक से देखा हुआ है। क्योंकि मैं फौज में जब भर्ती हुआ था और मेरा जिस पलटन में तबादला हुआ था, वो पलटन मुसलमानों की थी, जो राजस्थानी मुस्लिम कायम खानी कहते हैं। तो 71 के लड़ाई में मेरे 33 जवान शहीद हुए और उस समय मुझे भी छाती में बम के छर्रे लगे हुए थे और उसमें पानी पिलाने वाला मेरा जो रेडियो ऑपरेटर था कमरुद्दीन, जो आज बुजुर्ग है, राजस्थान का है, उसको मैं मिलने गया था। तो मेरे जहन में अभी भी इस वक्त ताजा आपके सामने दिखाई दे रहा है, कमरुद्दीन मुझे पानी पिला रहा है। और अगर वो नहीं मुझे पानी पिलाता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। मेरा ये मानना है, शायद बाकी लोग ना माने, मेरे सिर पे मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा कर्ज है, वो मैं वापस देना चाहता हूं। तो हमारी समस्या यह है, जैसे मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि हमारे जैसे मेरे साथ काफी मुसलमान भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं और सो कॉल्ड हिंदू भाई भी काम कर रहे हैं, तो हमें समाज को इकट्ठा लाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। आप एक साइड में अच्छी बात बता रहे हैं, मंदिर में जाना या बच्चा कोई कुएं में गिर गया तो उसके लिए आरतियां हो रही है, तो ये उत्सव प्रियता बढ़ती जा रही है। और आपने जो चीज बताई है कि भाई भगवान तो एक है, उत्सव प्रियता के ऊपर जाना नहीं चाहिए, तो इस पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ये मीडिया को कैसा काउंटर किया जाए। क्या आपके प्रोग्राम ये मीडिया से रेगुलर पीस टीवी के अलावा दूसरे चैनल्स पे दिखा सकते हैं, जैसे आरतीओ को? क्योंकि मैं समझता हूं फौज में हमें सिखाया गया था, मैं 25 साल उस रेजिमेंट में रहा हूं, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हम वो हमारे जवानों के साथ रहते थे। तो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हम उनके साथ में रहते थे। तो कहने का मकसद है, और वहां से हमने इस्लाम को इतना नजदीक से देखा, यहां सब कुछ अच्छा है, प्यार मोहब्बत भाईचारा ब्रदरहुड सब कुछ अच्छा है, लेकिन मीडिया में ऐसा आजकल इंप्रेशन में आता है एवरेज आदमी के लिए कि भाई इस्लाम में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां तो कुछ है ही नहीं है। तो इसके लिए क्या कोई और एक चैनल शुरू हो सकता है, या इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी जो तकरीर जो आज हो रही है, क्या ये ICC चैनल से दिखाई जा रही है? अगर आज नहीं दिखाई जा रही तो कल दिखानी चाहिए। कर्नल साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आप पर अल्लाह सुबहानहू तआला की रहमत, बरकत और सलामती हो। आपने कई अच्छी बातें की, वक्त नहीं कि सबका जवाब दूं, लेकिन 4 बातों का दूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि मेरा मुसलमानों पे कर्ज है। आपके ऊपर कोई मुसलमान का कर्ज नहीं। अगर कोई मुसलमान ने आपकी जान बचाई वो उसका फर्ज था, तो कोई मुसलमान का आपके ऊपर कर्ज नहीं है, उसका फर्ज था। कुरान मजीद में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचाता है
चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो सारी इंसानियत को बचा रहा है। तो कमरुद्दीन भाई ने अगर आपकी जान बचाई, अपना फर्ज किया, आपका उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, वो उसका धर्म था, वो उसका फर्ज था। पॉइंट नंबर टू, आपने कहा कि पहले, और आप बिल्कुल सही कह रहे, कि मीडिया ऐसा पावरफुल हो चुका है कि मीडिया आज आसानी से एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात बना सकता है, रात को दिन बना सकता है, सफेद को काला बना सकता है, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, बहुत आसान है। और बिल्कुल सही कहते हैं, आपने कहा कि आप मेरी तकरीर सुनते पीस टीवी पे, कई सालों से सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है। और मीडिया अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है, बुरे काम में बुरा फल मिलता है, अच्छे कामों में अच्छा फल मिलता है। 3 साल पहले जब मैं पुणे में आया था, जब पीस टीवी नहीं था, आज जो आप देख रहे टेन्स ऑफ थाउजेंड, इसकी आधी पब्लिक भी नहीं थी, आधी पब्लिक भी नहीं थी, माशाल्लाह, देखो झाड़ के उस पार, ये उधर, कितने लोग भारे में जानता नहीं हो, कितने हजारे में जानता नहीं हो, क्यों? मैं तो इंसान वही हूं पीस टीवी के बदौलत। पीस टीवी, पीस टीवी मतलब अमन का टीवी चैनल। हमारा मकसद है कि अमन हासिल करें, हमारा मेन मकसद है कि इस दुनिया में अमन हासिल करें, क्योंकि इस्लाम आता है लव सलाम से। अफसोस की बात है, अफसोस की बात मैं कहता हूं कि अक्सर चैनल पे इमॉडेस्ट चीजें हैं, बेहुदा चीजें आप देखते हैं चैनल पे। हम अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अक्सर चैनल देख नहीं सकते, फैशन टीवी क्या है वो देख ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे स्कूल में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं, सैटेलाइट चैनल ममनू है। अगर पीस टीवी देखना चाहते, पीस टीवी के साथ अगर 100 हराम चैनल आ रहे तो पीस टीवी मत देखो। पीस टीवी देखना चाहते इलाहाबाद डिश लगाओ, सिर्फ पीस टीवी पे लॉक करो, चलेगा। आप बिल्कुल सही कहते कि मीडिया जो है वो फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है, अक्सर लेकिन ज्यादा नुकसानदेह है। और आप देखते हैं कि अक्सर जो लोग अमन फैलाते हैं वो इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। हमने क्या कहा, मीडिया में ज्यादा नुकसानदेह चीजें हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि बताते मुसलमान आतंकवाद है, आज उसका जिक्र नहीं करूंगा, कल करूंगा। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है, ये मौजू है कल के लिए, तो कल की बात मैं आज नहीं करना चाहता हूं। ये मीडिया है, मीडिया क्यों कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं अमन फैले। अमन फैलेगा तो मीडिया को कौन देखेगा? आपने पूछा कि ये लेक्चर बाकी चैनल में देख सकते, हम भले लाखों रुपया खर्चा करते शूटिंग पे, करोड़ों रुपया खर्चा करते, जो भी अगर हमारे प्रोग्राम दिखाना चाहता है हम उसको फ्री देते हैं, फ्री। और शायद आपको जान की खुशी होगी, सिर्फ मुसलमान चैनल पे मेरी तकरीर नहीं दिखती है, गैर मुसलमान चैनल पे भी दिखती है। ईटीसी पे जाइए, ईटीवी उर्दू पे, वो क्या समझते एक प्रोग्राम बनाने में, अच्छा प्रोग्राम बनाने में 8 घंटे का 5 लाख खर्चा होता है, ये मुफ्त में मिलता है, ले लो। मैं बोला ले लो, मुझे क्या हर्ज है, मैं तो पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं, अमन हासिल हो जाए खुदा मुझे उसके लिए इंशाल्लाह सवाब देंगे। तो हमारे प्रोग्राम आप देख रहे, ये प्रोग्राम इतने कैमरा, 12 कैमरा है, ये स्टेज है, ना मैं कोई हीरो हूं, ना मैं अमिताभ बच्चन हूं, ना लता मंगेशकर हूं, मैं तो एक आम मुसलमान हूं, अपने आप को मुजाहिद कहता हूं, मुजाहिद मतलब जो जिहाद करता है, जिहाद मतलब जिद्दोजहद, जो मीडिया कहते हैं वो मुजाहिद नहीं हूं मैं। आप देख रहे हैं, मेरा मकसद है कि ये पैगाम सिर्फ यहां अगर 25 या 50 हजार लोग मौजूद है वो मेरे लिए बहुत स्मॉल है, मैं होलसेल में मानता हूं। ये कैमरा के जरिए इंशाल्लाह करोड़ों लोग देखेंगे, और हमारा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मौजूद है। अगर आप एक आम डिश लगाएंगे, भले केबल ऑपरेटर नहीं दिखा रहा है, 5-6 हजार खर्चा करेंगे आपको दिखेगा। हमारा चैनल फ्री टू एयर है, एब्सोल्युटली फ्री, और अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 करोड़ लोग हमारे चैनल को देखते हैं। आपने कहा कि बाकी चैनल पे दिखा सकते, बेशक
कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे क्या लाइव टेलीकास्ट अब दिखा सकते हैं, क्या फी लेंगे। मैं बोला फी नहीं, मुफ्त। मैं कभी भी लेक्चर देने जाता हूँ कोई फी नहीं लेता हूँ। काली कहता हूँ कि दुआ करो मेरे लिए, एब्सोल्युटली फ्री। और आपने कहा कि और चैनल होना चाहिए, बिल्कुल सही कहते। इसीलिए इंशाल्लाह जून 2009 में हम एक नया चैनल शुरू करने वाले जिसका नाम है पीस टीवी उर्दू। इस पीस टीवी पे अभी 25-33% उर्दू में है, हिंदी में, बाकी है अंग्रेजी में। जो उर्दू जानते कहते अंग्रेजी प्रोग्राम क्या बीच में आते, जो अंग्रेजी जानते उर्दू नहीं समझते बोलते उर्दू प्रोग्राम क्या है ये, जो दोनों जानते खुश है। तो हम दोनों तरफ से खींचे जा रहे हैं। इंग्लैंड से लोग बोलते उर्दू प्रोग्राम क्यों देते, हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ के लोग कहते ये इंग्लिश क्यों देते। हर को तो खुश नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 8-9 महीने बाद जून 2009 में हम एक नया चैनल शुरू करने वाले पीस टीवी उर्दू, जिसमें सिर्फ उर्दू और हिंदी प्रोग्राम आएंगे। इंग्लिश देखना चाहते इंग्लिश देखिए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह हमें मदद करेगा इस तरीके से हम और चैनल फैलाएंगे ताकि सारे दुनिया में अमन हासिल हो। जब तक अमन हो हम अपना पैगाम फैलाते जाएंगे। होप दिस आंसर द क्वेश्चन कर्नल साहब।